मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 112वां संस्करण सुना। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के जन जन से पिछले साल की तरह इस साल भी स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करने का आग्रह किया है। सभी प्रदेशवासी इस मुहिम का हिस्सा बने और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करें। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल घनसाली पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों के साथ आपदा ग्रस्त क्षेत्र बूढ़ा केदार, तोली गांव और तिनगढ़ गांव का निरीक्षण किया। साथ ही मंत्री अग्रवाल ने बाढ़ से प्रभावित 50 परिवारों से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आपदा से पीड़ित तिनगढ़ गांव के 50 से 55 परिवारों के लिए एक स्कूल में रहने, खाने और सोने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी के बाल गंगा और बूढ़ा केदार में हुई भारी बारिश और भूस्खलन के विषय में विधायक घनसाली शक्तिलाल शाह और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से राहत बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी दीक्षित को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रभावित क्षेत्र के संवेदनशील गाँव को तुरंत चिन्हित कर खाली करवाया जाए और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए। टिहरी के बूढ़ा केदार क्षेत्र में आपदा का दंश झेल रहे लोगों का गुस्सा क्षेत्रीय बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह पर फूटा। विधायक शक्तिलाल शाह लोगों से मुलाकात करने पहुंचे थे, इतने में स्थानीय लोगों ने विधायक को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। प्रभावितों में गुस्सा इतना था कि विधायक को मौके से जाना पड़ा। याद रखना। धारचूला की तहसील मुनस्यारी ग्राम सभा रिंगू में दो लोगों का आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं एक मकान जमीन में धंसने से खतरे की जद में आ गया है। यूथ कांग्रेस डीडीहाट के जिलाध्यक्ष विक्रम दानू ने समस्त ग्रामवासियों की ओर से उप जिलाधिकारी से मांग करते हुए कहा कि तत्काल राजस्व टीम भेजकर क्षतिग्रस्त मकानों का निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए और प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाए, अन्यथा ग्रामीण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि आपदा प्रभावित परिवारों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा पांचवें दिन कीर्तिनगर पहुंची। इसके बाद यात्रा ने श्रीनगर में प्रवेश किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने यात्रा का स्वागत किया। आज सुबह यात्रा रुद्रप्रयाग के लिए रवाना हो गई है। 3 अगस्त को यात्रा केदारनाथ पहुंचेगी और 4 अगस्त को समापन होगा। एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या खिरखेत इंटर कॉलेज पहुंची। उन्होंने यहां पौधारोपण की शुरुआत करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधों को लगाने के साथ ही एक माँ की तरह उनका पालन पोषण करने की आवश्यकता है। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना और निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। कांवड़ यात्रा से पूरा हरिद्वार शिवमय है। कांवड़ पटरी और हाईवे से लाखों की संख्या में यात्री गुजर रहे हैं। वहीं अब ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से भी कांवड़ यात्री पहुंचने लगे हैं। रात होते ही हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर डीजे की धुन पर लाखों कांवड़ यात्री झूमते गाते गुजर रहे हैं। 6 दिन के अंदर करीब 80 लाख शिव भक्त गंगा जल भर कर रवाना हुए हैं। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे Facebook और Insta पेज के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।